नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव वंशराज आपका स्वागत करता हूँ तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 पर, जिसका नाम था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें हम लोग लेक्चर 6.9 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 6.10 के बारे में। दोस्तों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन हम लोग लास्ट सेशन में कवर कर लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर टू से। देखिए, क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोल रहे हैं। 2000 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली से घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका तल 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा है। ठीक है, क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। फिर उसके बाद उसको 180 डिग्री से घुमा दिया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इस बात को हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बिल्कुल इस दिशा में है। जैसे मान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस दिशा में है, बल रेखाएं इधर से इधर की ओर जा रही है। ठीक है, और ये कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। खैर, कोई बात नहीं। ठीक है, अब इस चुंबकीय क्षेत्र में एक तल रखा हुआ है, इस प्रकार से रखा है। ठीक है, अब इस तल के लंबवत दिशा में होता है क्षेत्रफल सदिश। ये बात हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो इस तल के लंबवत यानी इस दिशा में क्षेत्रफल सदिश है, कोई बात नहीं। अभी क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना है? 0। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार रखा गया है कि कुंडली का तल, ध्यान रखिएगा, कुंडली का तल और कुंडली के तल पर क्षेत्रफल सदिश दोनों अलग अलग चीज है। बोल रहे हैं कि कुंडली को इस प्रकार से रखा गया है कि कुंडली का तल जो है वो क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। दोस्तों, जब कुंडली का तल क्षेत्र के लंबवत होगा, क्षेत्र इस दिशा में है तो देखिए तल ऐसे है, ये 90 का एंगल बन रहा है कि नहीं। ठीक है, जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री बनाएगा लंबवत रखी होगी कुंडली, तो क्षेत्रफल सदिश हमेशा 0 का कोण या 180 का कोण ही बनाएगा। आप ये बात समझ सकते हैं। यहां देखिए, कुंडली का तल जो है वो क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये कितना एंगल है? 90 का एंगल बना रहा है। लेकिन कुंडली के तल पर जो आप क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे वो तो क्षेत्र के समांतर हो गया, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 है। लेकिन जब आप इसको कुंडली को इस प्रकार रखेंगे कि कुंडली का तल क्षेत्र के लंबवत हो, ठीक है, फिर आपने उसको 180 डिग्री से घुमाया, तो क्या होगा? पहले क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र के साथ 0 डिग्री का कोण बना रहा था, लेकिन आपने इसे 180 डिग्री से घुमाया, तो अब क्या हो गया? इसका क्षेत्रफल सदिश इधर आ गया होगा और अब ये एंगल कितना बन रहा है? 180। ठीक है, तो अब क्या है? वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब हमें यह करना है कि पहली स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स निकालना है, दूसरी स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स निकालना है, दोनों को माइनस कर देना है। ठीक है, कुंडली की पहली स्थिति में कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा फाइव वन इज इक्वल टू कितना होता है? BA cos थीटा। ठीक है भाई, चलिए, पहले कुंडली क्षेत्र के लंबवत रखी थी और कुंडली के तल पर जो क्षेत्रफल सदिश था वो क्षेत्र के साथ हमेशा 0 एंगल बना रहा था। और दोस्तों, यहाँ पे जो एंगल होता है थीटा, वो थीटा होता है क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण, जो कि 0 था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? फाइव वन इज इक्वल टू BA और ये हो गया दोस्तों cos 0। ठीक है, यहां से क्या निकल आएगा? यहां से निकल आएगा फाइव वन इज इक्वल टू BA, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, अब कुंडली की दूसरी स्थिति में कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, देखिए कुंडली की दूसरी स्थिति में कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाइव टू इज इक्वल टू NBA cos थीटा। जब आप इसको 180 से रोटेट कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल सदिश विपरीत दिशा में हो जाएगा, जिस कारण वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ 180 एंगल बनाने लगेगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह हम 180 रख देंगे और इसको सॉल्व करने पे cos 180 माइनस वन होता है, तो माइनस NBA आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? अब आपको केवल निकालना है कि चुंबकीय फ्लक्स में कुल कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा डेल्टा फाइ इज इक्वल टू फाइ टू माइनस फाइव वन। ठीक है, रखिए जरा इसको, कितना हो जाएगा? माइनस का NBA माइनस NBA। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? डेल्टा फाइ इज इक्वल टू माइनस का 2NBA। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। डेल्टा फाइ इज इक्वल टू माइनस का 2N, N की वैल्यू कितनी है? 2000, और B की वैल्यू कितनी है? 0.3। ठीक, और मल्टीप्लाइड बाय, देखिए ये कुंडली के
तल का क्षेत्रफल है और कुंडली के तल का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10^-3 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे रख देंगे 10^-3। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से 3 पावर निकल के इसको कैंसिल कर देगी, 2 × 4 और 4 × 3 से करेंगे आएगा 12, फिर यहां पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा Δ(φ = −1.2 Weber। ठीक है, तो ये है दोस्तों इसका जवाब। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, 100 फेरों वाली एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, ठीक है, 0.1 सेकंड में 0.5 वेबर से घटकर 0.3 वेबर रह जाता है। ठीक है, कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल टॉपिक पे है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, बोल रहे हैं कि एक कुंडली है, ठीक है, उसमें 100 फेरे हैं, यानी आपको एन का मान दे दिया गया है। फिर ये बोल रहे हैं कि उस कुंडली से पहले कितना फ्लक्स गुजर रहा था, 0.5 वेबर का फ्लक्स गुजर रहा था, लेकिन 0.1 सेकंड के भीतर, 0.1 सेकंड विद इन 0.1 सेकंड क्या हुआ, ये 0.5 वेबर से घटके 0.3 वेबर हो गया। ठीक है, कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक, कौन से, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम क्या होता है, वो कि प्रेरित विद्युत वाहक बल E = कितना होता है, d φ/dt होता है। ठीक है, विद माइनस साइन, जो कि माइनस साइन तो दोस्तों लेंज के नियम को बताता है, केवल अगर हम परिमाण लेंगे तो क्या हो जाएगा, E = d φ/dt। ठीक है, यहां लिखेंगे केवल परिमाण लेने पर, ठीक है, केवल परिमाण लेने पर। अब इसके बाद E = देखिए d φ कैसे निकालेंगे, d φ का मतलब होता है φ2 − φ1, अंतिम माइनस प्रारंभिक। ठीक है, अब यहां पे आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, भाई कितने का चेंज हो रहा है, चेंज कितना हो रहा है, चेंज हो रहा है 0.2, तो यहां पे रख देंगे 0.2, ठीक, अपॉन में Δt, वो समय अंतराल जिसके दौरान फ्लक्स परिवर्तित हुआ है, तो 0.1 सेकंड के अंतराल पे फ्लक्स चेंज हुआ है, तो यहां रखेंगे 0.1। ठीक, और ध्यान रखिएगा इसमें दोस्तों, अगर आपके पास कुंडली में n फेरे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में n भी रहेगा। ठीक है, यहाँ n भी रहेगा और आप इसको यहाँ पे n की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, और n की वैल्यू कितनी है, 100। ठीक, ठीक है, यहाँ पे 100 रखना पड़ेगा, कितना आ जाएगा टोटल, E = 200 और मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट्स। ठीक, MKS वैल्यू रखेंगे तो सारे मात्रक जो निकल के आएगा उसका मात्रक भी MKS में ही आएगा, और विद्युत वाहक बल का MKS मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी है। ठीक है, ऐसे ही आगे आने वाले और भी क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही कम है, ज्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है और बिल्कुल टू द पॉइंट, टू द टॉपिक है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, एक छल्ला जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा प्रतिरोध 2 ओम है, ठीक है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा है। ठीक, फिर बोल रहे हैं यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 टेस्ला/सेकंड की दर से घट रहा है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा छल्ले में प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा भाई, है ना, सबसे पहले हमें ये निकालना है, क्योंकि अगर विद्युत वाहक बल का मान मिल गया तो मतलब V का मान मिल गया, और V का मान मिल गया, R पता है तो हम I का मान निकाल सकते हैं। ठीक, बड़ी आसानी से ओम्स लॉ लगा के। ठीक है, वही काम हमको यहां भी करना है, तो सबसे पहले विद्युत वाहक बल मिल जाए कुछ ऐसा सोचिए। ठीक है, देखिए ये एक इसकी त्रिज्या दी है, इसका मतलब ये छल्ला कैसा होगा, वृत्ताकार होगा, क्योंकि वृत्ताकार छल्ला होगा तभी तो त्रिज्या होगी, चौकोर होगा, आयताकार छल्ला होगा तो उसमें त्रिज्या तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ त्रिज्या दी है, इसका मतलब ये एक वृत्ताकार छल्ला है। अब सबसे पहले वृत्ताकार छल्ले का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ चलिए डायरेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी द्वितीय नियम से। ठीक है, फैराडे ने जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए थे उसमें से दूसरा नियम क्या था, E = d φ/dt। ठीक है, d φ/dt, अगर इसमें देखिए इसमें फेरों की संख्या तो दी नहीं है, इसका मतलब सिंगल फेरा है, कोई बात नहीं, क्या करेंगे यहां पे रखेंगे E = देखिए इसमें d φ/dt मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर, और आपको बोला जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स जो है वो
देखिए हाँ, यहाँ पे एक और चीज होती है, ये है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, काम क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे डी बाई डी टी। आपको पता है दोस्तों कि चुंबकीय फ्लक्स कैसे मिलता है, फाइ इज इक्वल टू बी इंटू ए करने पर मिलता है, ठीक है। यहाँ पे रखिए, फाइ की जगह रख दीजिए बी इंटू ए, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, बी क्या है, बी होता है चुंबकीय क्षेत्र, और ए क्या होता है, क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल। कुंडली का क्षेत्रफल तो परिवर्तित नहीं होगा, चाहे कुंडली को आप जैसे भी ट्विस्ट करिए, ठीक है। मतलब ए का मान तो फिक्स है, ठीक है, उसको बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट है, अवकलन होगा नहीं, ठीक है। कितना बचेगा, डी बी बाई डी टी, बस। अब आप समझिएगा, डी बी बाई डी टी का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। आप सपोज करिए, भाई हमें करना क्या है, हमें कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स को परिवर्तित करना है, और फ्लक्स कैसे मिलता है, फ्लक्स बराबर होता है बी इंटू ए, ठीक है। अब फाई को बदलना है, तो उसको बदलने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि एक्चुअल में ये एक और चीज होती है, यहाँ पे कॉस थीटा भी होता है, आप जानते ही होंगे, ठीक है। अगर फाई को बदलना है तो आपके पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका है कि कुंडली का आप क्षेत्रफल लगातार घटाते बढ़ाते रहिए, जो कि इम्पॉसिबल सा लगता है, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। बचा थीटा, आप थीटा को वेरी करा सकते हैं, यस, थीटा को आप वेरी करा सकते हैं। और तीसरा रास्ता है, बी को भी आप वेरी करा सकते हैं, उसको भी बदल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसा ही हो रहा है, बोल रहे हैं देखिए, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो 0.1 टेस्ला पर सेकेंड की दर से घट रहा है, चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है। दैट मीन्स हमें डी बी अपॉन डी टी की वैल्यू दी है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल ली। और दोस्तों मैंने शुरुआत में बोला था यहाँ त्रिज्या दी है, मतलब कुंडली एक वृत्ताकार कुंडली है, तो यहाँ पे वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल भी होना चाहिए। क्या करेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया डी बी बाई डी टी। बस सब कुछ डन है, केवल कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू, ये हो गया पाई, ठीक, आर। अब देखिए आर क्या है, 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करके तब वैल्यू रखेंगे। 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10^-1 मीटर, और इसका स्क्वायर लगाए देखिए, तो हम भी क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लगा देंगे, मल्टीप्लाइड बाय डी बी बाई डी टी। दोस्तों डी बी बाई डी टी क्या है, ये है 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1, ठीक। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू रख देते हैं हम लोग, E इज इक्वल टू, ये हो गया 3.14, और इसकी पावर हो जाएगी -2, इसकी पावर -1, मिलके -3, तो ये हो जाएगा 10^-3 वोल्ट। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू 3.14 मिली वोल्ट, ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मिली वोल्ट, ठीक। इसका जवाब तो मिल गया। अब देखिए, छल्ले में प्रेरित धारा निकालनी है, तो प्रेरित धारा कैसे निकालेंगे, छल्ले में प्रेरित धारा I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E अपॉन में R, ठीक। E की वैल्यू निकाल चुके हैं, 3.14 इंटू 10^-3 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी है, 2, यहां से 2 रखा और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.57, और ये 10^-3 एम्पियर, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1.57 मिली एम्पियर, ठीक है। बस ये हो गया इसका जवाब, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। ओके दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 100 फेरों वाली एक कुंडली का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इस कुंडली को 0.4 सेकेंड में 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रख दिया जाता है कि इसका तल क्षेत्र की फ्लक्स रेखाओं के लंबवत हो। मतलब जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में डायग्राम बनाया था, बल रेखाएं बिल्कुल सीधी थी, आपने ऐसे रख दिया था कुंडली को कि इसका तल क्षेत्रफल के, तल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। जब तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तो तल पर क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, और फाइ इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा में थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, 0.4 सेकेंड में इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, मतलब पहले ये चुंबकीय क्षेत्र में नहीं था। जब ये चुंबकीय क्षेत्र में नहीं था तो वहां पे B इज इक्वल टू 0 था, और वहां पे B इज इक्वल टू 0 होने के कारण जब B 0 हो जाएगा तो कुंडली से पहले गुजरने वाला फ्लक्स कितना था, कैसे निकालेंगे, बी ए कॉस थीटा। जब कुंडली पहले चुंबकीय क्षेत्र में थी ही नहीं, कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के बाहर थी, तो वहां पे बी होगा नहीं, बी बराबर 0 होगा। इसका मतलब जब कुंडली बाहर थी तो बी बराबर 0 था, इसलिए कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा था, तो पहले फ्लक्स भी 0 था। जब आपने कुंडली को क्षेत्र में रख दिया है, अब बी है, ए है, और थीटा इज इक्वल टू 0 है, इसको सॉल्व कर लेंगे, वो आपको बाद में चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। और बोल रहा है कि बाद में आपने इसे 2 वेबर
पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। ठीक है, चलिए तो यहां पर सबसे पहले दोस्तों में फ्लक्स में परिवर्तन ही निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लिखेंगे E इज इक्वल टू कितना होता है N इंटू डी फाई बाई डी टी, यहां पर लिख देंगे केवल परिमाण लेने पर। ठीक है, चलिए केवल परिमाण लेने पे, ठीक, E इज इक्वल टू, आइए कैलकुलेट करते हैं। यहां पे देखिए सारी चीजें रखनी होगी, लेकिन उससे पहले एक और चीज यहां पे ध्यान रखिएगा कि पहले तो यहां पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र पहले जीरो था, बाद में चुंबकीय क्षेत्र आ गया। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहां पे इसको हम ओपन कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं फाइव टू माइनस फाइव वन। ठीक है, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन में ये डी टी को हम लोग ऐसे रहने देंगे। ठीक, अब फाइव टू माइनस फाइव वन क्या करेंगे, पहले तो E इज इक्वल टू यहां पे एन और फाइव टू को लिख सकते हैं बी टू इंटू ए माइनस, इसको लिख सकते हैं बी वन इंटू ए। यहां पे दोस्तों बी वन का मतलब होता है पहले चुंबकीय क्षेत्र, पहले मतलब जब कुंडली बाहर थी, पहले कुंडली कहीं और थी ना, तो जहां भी कुंडली थी वहां पे चुंबकीय क्षेत्र। फिर बी टू का मतलब होता है जब आपने उसे चुंबकीय क्षेत्र में लाके रख दिया, तब क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो वो बी टू बी वन है अपॉन में डी टी अपनी जगह पे रहेगा। अब देखिए कैलकुलेशन इसकी क्या कहती है, ठीक है, क्या आता है, ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन दिया है आपको 100। ठीक है, और यहां से ए कॉमन निकाल लीजिए, जब आप ए कॉमन निकालेंगे, चलिए छह एक स्टेप और हो जाए, ठीक है, एन के बाहर हमने ए कॉमन निकाल लिया, अंदर कितना बचा बी टू माइनस बी वन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब देखिए यहां पे एन की जगह पे हम लोग लिखेंगे 100, क्योंकि कुंडली में 100 फेरे हैं और कुंडली का क्षेत्रफल दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁴। ठीक है, ठीक, और यहां पे पहले जब कुंडली बाहर थी तो चुंबकीय क्षेत्र जीरो था, लेकिन जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में आ गई है तो उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो गया है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो यानी कि 2 में से माइनस करेंगे 0, क्योंकि पहले वो चुंबकीय क्षेत्र के बाहर थी तो वहां पे क्षेत्र था नहीं। ठीक है, अपॉन में डीटी कितने समय के भीतर ये काम किया जा रहा है, 0.4 सेकंड के अंदर ये काम किया जा रहा है, तो यहां पे लिखेंगे 0.4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आएगा, ये हुआ 2 और आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये हो गया 6 और यहां से पावर निकलेगी 2 और ये पावर हो जाएगी -2, तो ये हो जाएगा 6/4 × 10⁻³। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻³ वोल्ट्स। ठीक है, आप इसे मिली वोल्ट भी लिख सकते हो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.5 मिली वोल्ट। ठीक है, चलिए अभी तो ये हो गया। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कुंडली में धारा, कुंडली में धारा कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू E अपॉन में R, डिवाइड करिए जरा, कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू E कितना है 1.5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो फाइनली कितना आएगा 1.5 × 10⁻⁴ और ये हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, चलिए ओके दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आज के सेशन से जुड़े हुए नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए। ओके दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।